बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ रफ ड्राफ्ट। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे पुलिस पकड़ लेती है। इसका नाम किरिल है। ये गेम डेवलपर है, पर पुलिस इसे पकड़ने के बाद छोड़ भी देती है। और अब किरिल के मोबाइल पर एक लोकेशन आती है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 24 घंटे पीछे, जहाँ पर किरिल की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो उसे वक्त नहीं देता। साथ ही किरिल की ज़िंदगी में एक खुशी का पल भी आता है क्योंकि उसने जो गेम बनाई थी उसे एक बहुत बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है। किरिल अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ पार्टी करने के बाद जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में एक अनजान लड़की है जो कहती है कि ये मेरा घर है। इस बात से किरिल परेशान हो जाता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस जब आती है तो लड़की बताती है कि मेरा नाम रिनेटा है और ये घर मेरा है। वो पुलिस को घर के पेपर्स भी दिखाती है, जिसके बाद वहां से किरिल को निकाल दिया जाता है। किरिल ने जो घर के बिल्स जमा किए होते हैं वो लेकर वो सरकारी दफ्तर भी जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो ये साबित नहीं कर पाता कि वो घर जहाँ पर अब रिनेटा रह रही है वो उसका है। किरिल इसके बाद अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर उसका स्टाफ जिनके साथ वो पार्टी कर रहा था उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता। किरिल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो अपने पिता के पास जाता है। पर हैरानी की बात ये होती है कि उसके पिता भी उसे नहीं पहचानते, इसीलिए एक बार फिर से वो अपने घर जाता है और रिनेटा से कहता है कि तुम मेरे घर पर कब्जा क्यों करना चाहती हो। रिनेटा कहती है कि ये घर मेरा है। किरिल उसे चाकू की नोक पर सच कहने को कहता है, लेकिन वो अपने आप को ही मार देती है। और तभी यहाँ पर पुलिस आती है जो किरिल को पकड़ लेती है, लेकिन अगले पल उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसके मोबाइल पर एक लोकेशन आती है और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। किरिल अब उस लोकेशन पर जाता है जो कि एक पुराना खंडर नुमा लाइट हाउस है। वहां पर कोई भी नहीं होता, इसीलिए रात को वहीं पर सो जाता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी होती है, नई हो गई होती है। और तभी वहां पर रेनेटा आती है जिसकी एक रात पहले मृत्यु हो गई थी। रेनेटा पूरी तरह से ठीक है। किरिल उसे देखकर हैरान होता है। रेनेटा कहती है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरी दुनिया यानी कि पैरेलल वर्ल्ड है जिसका नाम किमजिम है। ये नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि किरिल ने जिस गेम को बनाया था उसका नाम भी किमजिम था। रेनेटा किरिल को बताती है कि इस दुनिया में कई सारे पैरेलल वर्ल्ड यूनिवर्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, और जब तुमने अपनी गेम किमजिम को बनाया तो गलती से तुमने पैरेलल वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मैं तुम्हारे घर गई, मैंने सारी आइडेंटिटी अपने नाम पर बनवा ली और तुम्हें जितने भी लोग इस दुनिया में जानते थे उन सब की यादों से मैंने तुम्हें मिटा दिया। पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं जो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में हमेशा ट्रैवल करते हैं, और इस वक्त जिस लाइट हाउस में तुम हो यही एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने का रास्ता है, और जो भी यहाँ से पैरेलल वर्ल्ड में जाएगा तुम्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। दरअसल यहाँ पर किरिल को एक नया काम मिला है जिसमें उसे उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करनी है जो पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। रेनेटा उसे बताती है कि यहाँ पर कई सारे पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे हैं, लेकिन अब तक एक ही खुला है जो तुमने खोला है। पैरेलल वर्ल्ड उस वर्ल्ड को कहा जाता है जो हूबहू हमारी अर्थ की तरह, हमारी दुनिया की तरह एक दूसरी दुनिया होती है। वहां पर वो हर एक चीज होती है जो हमारी दुनिया में है, जिस तरह से हम अपने आप को मिरर में देखते हैं और हमारी परछाई हमें नजर आती है, उसी तरह हमारे वर्ल्ड का एक पैरेलल वर्ल्ड भी है, लेकिन वो परछाई नहीं, वो हमारी दुनिया की तरह असली दुनिया है। और उसी दुनिया का दरवाजा किरिल की गेम की वजह से खुल चुका है। किरिल रेनेटा से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। वो बताती है कि हम इंसान नहीं है, हमारी एक सीक्रेट सोसाइटी है और मैं उस सोसाइटी के लिए काम करती हूँ। मेरे ऊपर मेरे सीनियर्स भी हैं जिनके ऑर्डर्स मुझे मानने पड़ते हैं। और इसके बाद वो उसी कमरे में उसे एक अलमीरा दिखाती है जो पूरी तरह से खाली होती है। वो किरिल से कहती है कि तुम इस अलमीरा से कुछ भी मांग सकते हो। हालांकि किरिल अपनी दुनिया में अपने लोगों के बीच में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि अब इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं पहचानता, और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। किरिल अलमीरा से विश करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाए, और अगले पल उसका बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब भी उसे पहचानता है, जिसके साथ किरिल एंजॉय करता है। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जिसका नाम एना है। एना ने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। दरअसल एना उसे पहचानती नहीं क्योंकि उसकी यादों से उसे मिटा दिया गया है। दरअसल एना का जो नया बॉयफ्रेंड है वो इस सोसाइटी का पहले से हिस्सा था, और उसी ने एना को इस सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाया होता है। और अब किरिल इनकी इन्वेस्टिगेशन करता और इन्हें उस पैरेलल वर्ल्ड में जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उनका पीछा करता है। और जब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है तभी एक रोबोट किरिल की
ऊपर हमला करता है, पर अचानक से उसके अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स आ जाती है जिससे वो उस रोबोट को हरा देता है। इसके बाद इन्हें एक लड़की मिलती है जो जख्मी होती है, पर जब ये उसे पानी पिलाते हैं तो उसके जख्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। किरिल भी पानी पीता है और उसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। अब ये जो लड़की होती है इसका नाम रोज है। वो बताती है कि वो भी किरिल की तरह एक एजेंट है। वो 27 साल की उम्र में इस दुनिया में आई थी जिसके बाद उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ी, यानी कि वो हमेशा के लिए अमर है। किरिल भी समझ जाता है कि वो भी उसी की तरह अमर है और अब वो अपने टावर में वापस आ जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक नई दुनिया का दरवाजा खुल चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अब इस नई दुनिया को देखने के लिए रेनेटा अपने सीनियर्स के साथ आती है। साथ ही वो किरिल को एक लॉकेट देती है और कहती है कि तुम किसी भी दुनिया में 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। किरिल के पास कोई भी रास्ता नहीं है, उसे इनकी बात माननी पड़ेगी। और अगले दिन यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। दरअसल अब जो नई दुनिया का रास्ता दरवाजा खुला है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस दुनिया में चली जाती है। किरिल को उसकी बहुत याद आती है। वो एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड एना को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। इसीलिए एना का जो नया बॉयफ्रेंड है वो उससे पूछता है कि तुम एना के साथ कब से और क्यों हो। उसे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ता है कि सोसाइटी के मेंबर्स ने मुझे एना के साथ रहने के लिए कहा है, यानी कि उसके दिल में एना के लिए कोई भी प्यार नहीं है। और ये सुनने के बाद किरिल को अच्छा लगता है। अगले दिन किरिल एना के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसकी यादों से उसे मिटा दिया गया है, लेकिन उसे उसकी कोई भी बात याद नहीं आती, पर कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। किरिल उसे डेट पर चलने के लिए कहता है और वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों उसी नई दुनिया में जाते हैं जिसका अभी अभी दरवाजा खुला है। अब क्योंकि किरिल ने दो नई दुनियाओं को ढूंढा है इसीलिए उसके सम्मान में एक पार्टी दी जाती है। यहाँ पर किरिल एना के साथ आता है। एना और किरिल को साथ देखकर रेनेटा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अकेले में किरिल से कहती है कि तुम्हें पुरानी दुनिया के लोगों को भूलना होगा। दरअसल कहीं ना कहीं वो खुद भी किरिल को पसंद करने लगी है। वहीं एना को दिखाया जाता है जो देखती है कि किरिल का ध्यान उस पर नहीं है, इसीलिए नाराज होकर वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रेनेटा उसे किडनैप करके एक दूसरी दुनिया में भेज देती है। किरिल वापस अपने लाइट हाउस टावर में आता है जहाँ पर अगले दिन उसके पास एक लेडी आती है और कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम्हें एक खास दुनिया का दरवाजा खोलना होगा जो कि असली दुनिया है जहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे हम सभी पैरेलल वर्ल्ड का स्वर्ग भी कह सकते हैं। दरअसल जितने भी पैरेलल वर्ल्ड हैं वो सब उसी की कॉपी है और वो वर्ल्ड ओरिजिनल वर्ल्ड है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह के दूसरे पैरेलल वर्ल्ड्स में है। तुम्हें वहाँ जाकर सीखना होगा कि वहाँ का तौर तरीका क्या है जिससे कि वो लोग इतने खुशहाल हैं, और एक बार अगर तुमने सीख लिया तो हम सभी पैरेलल वर्ल्ड को उसी वर्ल्ड की तरह बना देंगे। अब यहाँ पर किरिल अपनी गर्लफ्रेंड एना को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता, इसीलिए उसके घर जाता है, पर एना अपने घर पर नहीं होती। किरिल वापस आ जाता है और अगली सुबह जब उठता है तो देखता है कि एक नई दुनिया का दरवाजा खुला हुआ है। वो उस दरवाजे से उस दुनिया में एंटर करता है जिस दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर इंसान लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं और जितने भी लोग बचे होते हैं वो बीमार होते हैं, थके हुए होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में एक लेडी के लिए काम करते हैं। ये लेडी बहुत ज्यादा निर्दयी होती है और जब किरिल उस लेडी के पास जाता है तो वो लेडी उसे पहचान जाती है कि ये टावर का कस्टम ऑफिसर है जो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करता है जो पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं। दरअसल इस लेडी का भी इस दुनिया में यही काम होता है। और अब किरिल देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग इस लेडी के लिए काम करते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और उसी भीड़ में वो एना को भी देखता है जो बहुत ज्यादा बीमार होती है। वो एना के पास जाता और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, और जब वो एना को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है तो वो लेडी उसके पास आ जाती है, वो उससे लड़ती है, लेकिन किरिल किसी तरह से वहां से एना को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। किरिल वापस अपने लाइट हाउस टावर में आ जाता है जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि अब मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए जो तुम्हारी 15 किलोमीटर की रेंज थी मैं उसे कम करके 50 मीटर कर रहा हूँ, यानी कि वो अपने लाइट हाउस टावर से आसपास ही जा सकता है। दरअसल किरिल का जो ये बेस्ट फ्रेंड होता है पहले से सोसाइटी का हिस्सा था, इसीलिए किरिल उसकी यादों से कभी नहीं मिटा था। और अब उसके जाने के बाद वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एना की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, इसीलिए वो तय करता है कि वो किरिल को उस दुनिया में ले जाएगा
जिस दुनिया का दरवाजा दूसरे नंबर पर खुला था, जो कि बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, जहां पर किरिल पहले भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जा चुकी है। लेकिन जब किरिल एना को लेकर बाहर जाता है और 50 मीटर की रेंज को क्रॉस करता है, तो उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है। उसकी जान जाने वाली होती है कि एना उसके गले से उस लॉकेट को खींच कर फेंक देती है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यानी कि अब वो पूरी तरह से आजाद है, वो किसी भी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। किरिल वापस अपने लाइट हाउस टावर में आ जाता है और अगली सुबह वो देखता है कि एक नई दुनिया का दरवाजा खुला है। वो उस दुनिया में जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा आधुनिक होती है। यहाँ पर सारी की सारी टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा एडवांस होती है। और तभी उसके पास एक कस्टम ऑफिसर आता है। इस ऑफिसर का भी वही काम है जो कि किरिल का है। ये ऑफिसर बताता है कि ये ओरिजिनल वर्ल्ड है, यानी कि ये वही वर्ल्ड है जिसका मिशन किरिल को दिया गया था। वो कस्टम ऑफिसर उसे बताता है कि हमने सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को बनाया है और यहाँ पर जो साल चल रहा है वो 1940 का है, यानी कि जिस दुनिया से किरिल आया है वहाँ की दुनिया यहाँ से आगे चल रही है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती। कस्टम ऑफिसर किरिल को बताता है कि हमने जानबूझकर जितने भी वर्ल्ड बनाए उन्हें अपनी दुनिया से 10-15-20 साल आगे रखा, ताकि भविष्य में क्या होने वाला है हमें पहले पता चल जाए और उसके लिए हम तैयार रहें। इसीलिए हमारी दुनिया में किसी भी तरह की परेशानी, महामारी या किसी भी तरह का युद्ध नहीं होता, क्योंकि आगे क्या होने वाला है हमें पहले से सब कुछ पता रहता है। साथ ही हमारे पैरेलल वर्ल्ड में जो भी खोज होती है उसका डेटा पहले से हमें मिल जाता है, जिस वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी साइंस को बहुत एडवांस कर चुके हैं। दरअसल हमारी दुनिया ही हमारे लिए मायने रखती है, बाकी दुनिया हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। हमने दुनियाओं को इसलिए बनाया था ताकि हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सके, जिसमें हम कामयाब हो गए। किरिल को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि जिस दुनिया का वो हिस्सा है, दरअसल वो इसी दुनिया की एक कॉपी है, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। और कस्टम ऑफिसर उससे कहता है कि अब तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें सारा सच पता चल चुका है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आते हैं जो किरिल के ऊपर हमला करते हैं। किरिल किसी तरह से उनसे बचता हुआ अपने लाइट हाउस का रास्ता ढूंढ लेता है और दीवार को चीरकर वो अपने लाइट हाउस टावर में पहुंच जाता है, जहां पर रेनेटा पहले से होती है। वो किरिल पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी लॉकेट को निकालने की। किरिल देखता है कि यहाँ पर रहना नहीं है। दरअसल अब उसे एक बार फिर से रेनेटा ने किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया है और अब वो किरिल के ऊपर हमला भी कर देती है, लेकिन किरिल अपनी शक्तियों से उसे मार देता है। और जैसी रेनेटा की मृत्यु होती है, ये पूरा का पूरा टावर वहीं पर ढह जाता है। रेनेटा की मृत्यु के बाद किरिल, जो कि अब भी पूरी तरह से ठीक है, उसका फोन रिंग होता है और ये फोन उसके पेरेंट्स का होता है, यानी कि किरिल के पेरेंट्स अब उसे पहचानते हैं। यानी कि रेनेटा ने जितने भी लोगों की यादों से किरिल को हमेशा के लिए मिटा दिया था, वो वापस उनकी यादों में आ चुका है। किरिल को इस बात से खुशी होती है, पर वो एना को ढूंढना चाहता है। और अब यहाँ पर किरिल का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है। वो कहता है कि टावर टूट चुका है, इसीलिए हम किसी भी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते। अगर तुम्हें किसी भी दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो हमें इस लाइट हाउस टावर को दोबारा बनाना होगा, जहाँ से दूसरी दुनिया का, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड का रास्ता खुलता हो। और ये दोनों यहाँ से जानने के लिए निकल पड़ते हैं कि दूसरी दुनिया के दरवाजों को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे दोबारा से लाइट हाउस को बनाया जाए। वही हमें लाइट हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा टावर मलबे में तब्दील हो चुका होता है। वहां पर आग लगी होती है और फायर ब्रिगेड जब वहां पानी फेंकती है तो वो पानी रेनेटा की बॉडी के ऊपर गिरता है, जिससे वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। वो एक बार फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि जिस दुनिया की, जिस सोसाइटी की ये मेंबर्स हैं, पानी इनकी पावर है। पानी से ये अपने घाव को, अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। रेनेटा के दोबारा जिंदा होने का मतलब ये है कि जल्दी दूसरी दुनिया के रास्ते भी खुल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो किरिल से बदला लेना चाहेगी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।